चना चाट मसाला वाला। अमीरपुरा नाम के गांव में एक चना चाट मसाला वाला ठेला था। उस ठेले का मालिक था राजन। वो 10 रुपए में चाट बेचता था। उसने तो 10 रुपीज चना चाट मसाला का बोर्ड भी लगाया था। उस इलाके में उसका चना चाट मसाला बहुत मशहूर था। ज्यादातर लोग आकर उसके पास चना चाट मसाला खाते। वो जो चाट मसाला पाउडर का इस्तेमाल करता था वही इसकी वजह थी। वो मसाला कैसे बनता है ये उनके परिवार का रहस्य था। वो हर रोज कुछ मसाले और कुछ सब्जियों को चूल्हे में गर्म करके उसे धूप में सुखाकर फिर उसका पाउडर बनाता था। उस पाउडर को लाकर वो ठेले पर जो चाट बनाता था उस पर इस मसाले को छिड़कता था। इस तरह वो चाट बहुत स्वादिष्ट होता था। लोग उस चाट को खाकर बहुत खुश होते। अरे वाह राजन, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं तो अपने बचपन से ही हर रोज यहाँ आकर चाट खाता रहता हूँ। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी और तुम लोग ही बदले हो, पर इस चाट का स्वाद नहीं बदला। जरा एक और प्लेट देना। मैं भी तुम्हारे चाट मसाले के स्वाद पर फिदा हो गई हूँ। घर पर मैंने कई बार कोशिश की पर ये स्वाद नहीं आया। वैसे तुम ये मसाले बनाते कैसे हो? अरे सारे कीमतें तो बढ़ रही हैं, पर तुम हो कि चाट सिर्फ 10 रुपए में बेचते हो। अरे तुम्हें कोई लाभ होता भी है कि नहीं? बहन जी, ये हमारा परिवार का रहस्य है, ये हम आपको बता नहीं सकते। आप कृपया बुरा ना माने। कल मैं अपने बेटे को संपत्ति के नाम पर यही रहस्य बताऊंगा। 10 रुपए खर्च करना गरीबों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे भी लाभ का इतना लालच नहीं है, बस जो कमाई होती है उसी में खुश हूँ। एक दिन एक बूढ़ा उसके ठेले के पास आया। बेटा बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे चना चाट खिलाओगे? भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजन ने तुरंत उसे एक प्लेट चना मसाला खिलाया। उसे खाकर, अरे बेटा मैंने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया, आज वो बहुत बड़े ओहदे पर काम कर रहा है। मेरे पत्नी का हाल ही में देहांत हो गया, अब मेरे बेटे और बहू ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कृपा करके तुम मुझे अपने पास काम पर रख लो। हे भगवान, इतनी मुसीबत आ पड़ी है आप पर। आप बिल्कुल चिंता ना करो, मेरे भी माँ बाप नहीं है, आप हमारे साथ रह सकते हो। इस तरह वो बूढ़ा उन्हीं के घर में रहने लगा और वहीं पर खाना खाने लगा और वो ठेले पर आकर राजन की मदद भी करता था। हर रोज राजन अपने घर के एक कमरे के अंदर जाता था और अंदर से ताला लगा लेता था। वहीं पर वो चना चाट मसाला तैयार करता था। एक दिन बूढ़े ने खिड़की से झांकते हुए उसे मसाला बनाते हुए देख लिया। अरे वाह, तो ये है रहस्य। मैं जिस काम से आया था वो काम पूरा हो गया। अब मैं जान गया कि ये मसाला बनाता कैसा है। अब मैं भी एक ठेला लगाऊंगा और इसके धंधे का सत्यानाश करूंगा। यूं उसने सोचा। अगले दिन ठेले के पास वो बूढ़ा, क्यों राजन, तुमने सोचा था कि तुम्हारे मसाला का रहस्य किसी को पता नहीं चलेगा? अब मैं जान गया हूँ, उस मसाले का राज जानने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आकर काम पर लगा था। कहकर उसने उस बूढ़े का गेटअप उतार फेंका। ये देखकर राजन हैरान रह गया। क्यों झटका लगा? कल से मैं भी तुम्हारे सामने ठेला लगाकर उसमें चना चाट बेचूंगा। जानते हो मेरा चाट कितने का होगा? केवल 5 रुपए का। अब तुम्हें अपना धंधा बंद करना होगा, और कोई चारा नहीं है। कहकर चला गया। अगले दिन सवेरे उसने राजन के ठेले के सामने अपना चना चाट मसाले का ठेला रखा। उसने वहाँ एक बोर्ड लगाया, चना चाट मसाला ओनली 5 रुपीज। ये देख कर बहुत सारे लोग आए। आइए आइए, इतने साल वो राजन आपसे 10 रुपए लेकर आप लोगों को धोखा देता रहा है, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा। एक बार मेरा चना चाट मसाला का स्वाद चखिए, जिंदगी भर खाते रहेंगे आप। यूं सबको प्लेट में चना चाट मसाला भरकर देने लगा। उसे खाकर लोग थू थू करके थूकने लगे और प्लेट को उसके मुंह पर दे मारा। फिर लोगों ने उसके ठेले का सर्वनाश किया। क्यों, तुम समझते हो कि तुम ही होशियार हो? जिस दिन तुम आए उसके अगले ही दिन मुझे तुम पर शक हो गया था, इसीलिए तुम्हें दिखाने के लिए मैंने वो फालतू मसाला बनाया। क्यों, कैसा लगा मेरा मार? कह के हंसा। तब वो व्यक्ति वहाँ से सिर झुकाकर चला गया।